Okay, my dear. Yesterday we had discussed about midpoint algorithm. What is the basic principle of midpoint circuit algorithm? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मिड सर्किट एल्गोरिथम में जो बेसिकली कैसे क्या होता है और कैसे हम जो है ऑप्टेन के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं सर्किट और कैसे हम लोग फोर वे सिमेट्री और एट वे सिमेट्री। तो मैंने आप लोगों को बताया था कल कि जो हमारा फोर वे सिमेट्री है वो जो फोर वे सिमेट्री है उसको हम लोगों ने स्टार्ट करा था क्वाड्रेंट के थ्रू हम सर्किट को बना सकते हैं। दूसरा हमने बताया था आपको सिमेट्री एट वे सिमेट्री था कि आपको ऑक्टेंट का मेथड यूज करके बनाना होगा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि हम जो हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो उसके हमको एक टू सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो एक ऑक्टेंट मतलब वन ऑक्टेंट को ही अगर हम निकाल लेते हैं एक ही ऑक्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो हम लोग एक ऑक्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं या फिर क्वाड्रेंट बेसिकली ऑक्टेंट को ही फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कल बताया था जो उसमें थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट उसमें टाइम देंगे ताकि अगर जो भी जिनका लॉग ये हो जाए ऑक्टेंट है हम आज आपको बताएंगे कि मिड पॉइंट सर्किट का जो एल्गोरिथम है उसका डेरिवेशन बताएंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप जाएगा।
जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी, जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मैंने नहीं बताया। फिर हमने बताया अगर इसका प्रोडक्शन यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, अगेन y माइनस x हो जाएगा। फिर क्यों x में कंफ्यूजन करती हूँ, क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, y की जगह y मॉडल क्या है, x को कवर कर रहा है, y y जगह x को कवर कर रहा है। अब चाहो इस प्रोडक्शन को इधर आप देख सकते हो, अगर इसको मिड पॉइंट सर्किट ड्राइंग के बारे में पढ़ा हुआ कैसे
k comma y of, right, x of k comma y of k. इनिशियली पिक्सल अगर हमारा x का x k comma y k है और मिड पॉइंट सर्किल में तो हमारा ये पॉइंट होगा ध्यान से जो दिस पॉइंट जो कि सर्किल बन गई उसके जस्ट क्या है अब इसे हम ई से डिनोट करते हैं समटाइम्स इसे ई से बोलते हैं क्योंकि इसके कैपिटल में किस तरह से रहता है ईस्ट में रहता है और ई बोलते हैं ठीक और जो नीचे वाला लाइन है जो इसको प्रूफ है और ये दिस पॉइंट इसको हम बोलते हैं एस ई साउथ ईस्ट समटाइम्स ई को We know that the
इक्वेशन ऑफ सर्किल नोड है इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्किल नोड है इक्वेशन ऑफ सर्किल सच है सच दैट सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर राइट इसे हम एक लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते और अभी मैंने बताया दिस इक्वेशन इज ये सॉरी ये इक्वेशन कब आएगा ये तभी वैध रहेगा जब हमने एजेंशन लिया हुआ है
अगर जो है अगर यहाँ पे इसमें अगर मिड पॉइंट हमने एक्स प्लस कामा वाई प्लस अज्यूम किया है, उस केस में जो रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन होंगे जब हम मिड पॉइंट की वैल्यू का पता करें, तो या तो वो जीरो हो सकता है, अगर जीरो होगा तो पॉइंट्स लाइन होगा सर्किल, या फिर क्या होगा लेस देन जीरो हो सकता है तो उसमें क्या होगा लाइज इन सेंटर सर्किल बाउंड्री, और क्या हो सकता है मोर देन जीरो हो सकता है इट्स मीन लाइज आउटसाइड द सर्किल बाउंड्री, व्हाट डू यू मीन इसका मतलब क्या है, तुम इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो दिस मिड पॉइंट इज नॉट हियर इज ऑन द लाइन इनिशियली हम दो पिक्सल्स को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट वन इज
The first one is this one, x of a plus 1, comma yk. The second one is x of a plus 1, x of a plus 1, comma yk minus 1. This is the east, this is the southeast. ठीक है? Southeast. इसके corresponding southeast में आता है, east में आता है. तो clear. तो दो point है. First point के लिए हमने x of k plus 1 comma y of k and second one x of k plus 1 comma y of k minus 1, right? तो basically अपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें mid point find out करना है. Mid point find out करना है. कैसे find out करना है? Sum of x of k plus 1 plus x k of x of k plus 1 divided by 2. इन दोनों के coordinate का हम क्या करेंगे? दोनों coordinate का हम sum करके divide कर देंगे. Like x of k plus 1 plus x of k plus 1 divided by 2. Okay. Similarly, y of k plus y of k minus 1 divided by 2. Okay? तो इस तरीके से हम जो है मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द मिड पॉइंट? सी xk x of k plus 1 plus x of k plus 1 divided by 2. Similarly, y of k plus y of k minus 1 divided by 2. Okay? Then here x of k plus 1 comma y of k minus 1 by 2. So this is the midpoint. ये हमारा midpoint है जाएगा x of k plus 1 comma y of k minus 1 by 2. ठीक है? तो अब यहाँ पे तो हमने midpoint निकाला. Get it now? X of k plus 1 plus 1
स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए डिक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे क्या है वाई ऑफ के प्लस वन एस वन बाई टू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। Plus y of a plus 3 plus y of a plus 2 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 plus
इट इक्वल्स टू नाउ अगर हम यहाँ से अब देखें तो अगर हमको नेक्स्ट पिक्सल की बात करनी है फाइंड आउट करना पी ऑफ ए प्लस टू इक्वल टू पी के हो जाएगा ट्वेल्व माइनस टू प्लस हो जाएगा टू एक्स के प्लस थ्री प्लस वाई ऑफ ए प्लस वन स्क्वायर माइनस वाई ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई ऑफ ए प्लस वन प्लस वाई ऑफ ए दिस इज द जनरल इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करना इसलिए बैठे करता वो ये हमारा जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है इन सिक्स एक्स वन बराबर पी के प्लस टू एक्स ए एक्स ऑफ ए प्लस थ्री प्लस वाई ऑफ ए प्लस वन का स्क्वायर माइनस वाई ऑफ ए प्लस स्क्वायर माइनस वाई ऑफ ए प्लस वन का वाई ऑफ ए तो फाइनली ये इक्वेशन निकल के आता है जो जनरल इक्वेशन ओके जनरल इक्वेशन हमको ये मिलता है दिस वन इज दिस इज द जनरल इक्वेशन जो हमको डेरिवेशन का फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया मैं ये चाहता हूं और हमको क्या कंडीशंस को अप्लाई करना है तो सपोज दैट सी हियर y of a minus 1
plus 1 equals to p of a plus 2 x of a minus y of a plus 5. These two formula will be two equations. The first and the second is very, very important for the midpoint circle line, which is used to solve the problem whenever the radius is given in the question. Next example.
ये हमारा क्या है, कम्प्लीटली कम्प्लीटली जो है ये मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम का डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो बस समरी में बता देता हूँ मैंने क्या बताया आज, बेसिकली जो डिस्कशन आज हुआ है उसके बारे में जो समरी है मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या था। हमने ये कहा कि ऑक्टेन ऑक्टेन मेथड को कैसे यूज करते हैं, और क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर वे सिमेट्री का होता है, एट वे सिमेट्री का होता है। फिर मैंने बताया कि सपोज दैट इनिशियली हमारे पास एक पिक्सल है 0.8 पता है और रेडियस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन निकालेंगे 0.4 0.5 ये है जो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी। एज नथिंग टू प्रीवियस पिक्सल, पिक्सल पिक्सल्स होते हैं वो पता है। अब हमको आपको आगे हमने कहा दिया कि ईस्ट में जाएगा इंक्रीमेंट और ये साउथ ईस्ट, ऐसे ही साउथ ईस्ट बोलते हैं या फिर ऐसे ही बोलेंगे या फिर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखा हमें इंक्रीमेंट हो रहा है, आप पास देखो कि एक्स एक्स के है और एक्स ऑफ के प्लस वाई ऑफ के है, जो हमारा मूव किया यहाँ वैल्यू का यहाँ क्या है एक्स ऑफ के प्लस वन का वाई ऑफ किया जाएगा, और ये जो हमारा वैल्यू होगा एक्स ऑफ के वहाँ से एक्स ऑफ के प्लस वन, बट हमारा जब वाई क्वाड्रेंट में जाएंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा वाई ऑफ के माइनस वन हो जाएगा। ये हमें पता है। और हमें पता है कैसे आप सर्कल को ड्रॉ करें, आपने एक पिक्सल निकाला एक पिक्सल निकाला, आप मिड पॉइंट से इमेजिन करेंगे और जो सर्कल बाउंड्री के नियरेस्ट रहेगा उस पिक्सल को हम फॉलो करेंगे। तो हमें बताया कि मिड सपोज हमें बताया कि मिड पॉइंट है, सपोज मेरी मिड पॉइंट लीजिए एक्स एस का वाई एस, उस कंडीशन में हमने बताया था आपको बताया जिससे बताया था कि रिजल्ट जो हमको ऑप्टेन करेंगे वो तीन रिजल्ट होंगे। फर्स्ट वन रीजन हमें बताया था कि अगर हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स आर स्क्वायर जो वैल्यू होती है हमें मिड पॉइंट की वैल्यू तब करेंगे अगर वो हमें जीरो ऑप्टेन होता है, जीरो प्राप्त होता है, तो उस केस में क्या होगा जो लाइन होगा जो पॉइंट्स होगा जो पिक्सल जो पॉइंट्स होगा दैट पॉइंट्स मतलब मिड पॉइंट जो होगा वो लाइज ऑन द सर्किल। एक्चुअली मिड पॉइंट दैट टाइम मिड पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल कब, व्हेन, जब हमारा जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू जब जीरो होगी दैट टाइम द मिड पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्किल। सेकेंड चीज बताया था अगर वैल्यू लेस देन जीरो होगी, अगर वैल्यू लेस देन जीरो होगी मतलब मिड पॉइंट इज लाइज इन साइड द सर्किल बाउंड्री, दिस इज द सर्किल बाउंड्री ना, तो उसके अंदर का मिड पॉइंट लाइज करेगा। अगर मोर देन जीरो आ गया उस केस में मैंने क्या बताया था कि सर्किल अगर मोर देन हो गया मिड पॉइंट इज आउटसाइड लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्किल सर्किल बाउंड्री मतलब मिड आ जाएगा। तो फिर हम कैपिटल करके जो नियरेस्ट रहेगा उससे वहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद हमने डेरिवेशन आपको बताया, डेरिवेशन समझाया आपको ये पिक्सल मैंने इसको भी और इसको भी इसको दे दी मैंने मिड पॉइंट कैपर किया दोनों मिड पॉइंट कैसे करें सम ऑफ एक्स ऑफ के प्लस वन प्लस एक्स ऑफ के प्लस वन बाई टू सिमिलरली इसको इसको जोड़ के डिवाइड कर दो तो मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। मिड पॉइंट फाइंड होने के फाइंड आउट होने के बाद हमने अगर पिक्सल वैल्यूएबल लिए तो हमने उसको एज्यूम किया एक्स एंड वाई एक्स एज्यूम किया, फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, फिर हमने कंडीशंस लगाया कि अगर कंडीशन यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने कंडीशन लगाया कि ध्यान से कंडीशन को आपको समझना है कि अगर प्रीवियस किसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रीवियस वैल्यूज जो हमें पी नॉट की वैल्यू माइनस नाइन आ गई उस केस में अब जब अगला पिक्सल आप फाइंड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्वाड्रेंट में इंक्रीमेंट होगा वाई क्वाड्रेंट एज इट इज बना रहेगा। सपोज दैट टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा कोई टेन रेडियस है तो जीरो का मान टेन है उस केस में अगर हमारे वैल्यू पी नॉट की वैल्यू माइनस नाइन आ गई ठीक है तो होगा क्या कि नेक्स्ट पिक्सल जब निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्वाड्रेंट में इंक्रीमेंट होगा वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा डिक्रीमेंट होगा सॉरी वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा रिमेंस कांस्टेंट बट इन केस वाई ऑफ ए इज मोर देन जीरो आ गया दैट टाइम एक्स
कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट हमेशा होता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 2,9 आ गया, अगला पॉइंट इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि समटाइम्स मैक्सिमम बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे एक्टिविटी सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पर हम देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दिस वैल्यू इज वॉट 1.25 माइनस 1। तो इस वैल्यू को वो कॉन्स्टर करते हैं 1 और 2 का जाएगा 1 माइनस आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा काउंट कर लेते हैं, बहुत सारे सेमेस्टर के बाद ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस। और बहुत बार ऐसा होता है कि काउंट नहीं करते हैं, आपको ऐसे करना पड़ता है। आप ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एज पर माई नॉलेज ऐसा इधर नहीं चलता है, कैलकुलेशन जो है बहुत ही बढ़ जाता है। तो 1 करेंगे मान लेते हैं 1 और 1 माइनस आर, इसी क्वेश्चन क्या करते हैं 1 माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन जो है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट जो हम सर्किल डायग्राम पढ़ेंगे, सर्किल डायग्राम तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ को आपने दिमाग में रखिएगा, 1 माइनस आर हम लिख सकते हैं, बहुत सारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा जाता है। तो हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम किसी को पॉसिबल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल हमने मिल सकता है, पूरे डिपार्टमेंट का डायग्राम बताएगा, मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हाँ, एक और कि ये जो 0.3 एक ऑक्टेन है। अब एक्चुअली होता क्या है, मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, बता दे रहा हूँ कि ऑक्टेन में क्या होता है, जैसे सपोज कल की जो लेक्चर
लेक्चर होगा, कल को जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग जो है स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेप्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, उस स्टेप को पढ़ेंगे कि हाँ फाइव स्टेप होगा, इसी स्टेप को जो है जो ये स्टेप है ये जो हमने पढ़ा अभी वो हमने पाँच स्टेप में अभी तुमने पढ़ा था स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव, तो ये पाँच स्टेप रहेंगे, वो पाँचों स्टेप्स जो होंगे हमारे हमारे जो है एल्गोरिथम में उसको आप एक चार्ट बना लीजिएगा और उसको जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, याद करने का एक और दिख जाएगा आप दो चार दस मिल के लगा देंगे तो और भी आसानी से आपको याद रहेंगे, ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉम्प्लीट आपको, ठीक है। थ्योरी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, थ्योरी पे क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं, हाँ मतलब इसके बेसिकली एल्गोरिथम को ही लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन, बाकी हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ जैसे प्रीवियस जो हमने बताया था उस पर आप एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और सॉल्व भी कर लीजिएगा, getting